यू नो व्हाट आई एम रियली एक्साइटेड और एक्साइटेड इसलिए बिकॉज़ आज जो मैं बनाने जा रहा हूँ वो शुद्ध शाकाहारी एंड वेजिटेरियन फूड इज ऑलवेज इंस्पायरिंग एंड यू नो व्हाई बिकॉज़ फ्लेवर्स और टेक्सचर्स को बैलेंस करना अच्छे तरीके से हर कुक को वेजिटेरियन खाना ही सिखाता है दैट्स हाउ आई लर्नड हाउ टू बैलेंस फ्लेवर्स एंड टेक्सचर्स लेट्स कुक समथिंग वेजिटेरियन टुडे तो सामने थी मकई मैंने मकई ली और मकई को कर लिया ग्रेट तो मकई की फिलिंग बनाने के लिए सबसे पहले कढ़ाई में डालेंगे तेल अब इसमें डालेंगे अजवाइन और अजवाइन क्रैकल होने के बाद इसके अंदर हम डालेंगे जिंजर पेस्ट और अनियन पेस्ट अच्छे से उसको भून लेंगे थोड़ा नमक हल्दी लाल मिर्च कॉर्न जो हमने कसा है ग्रेट किया है इट्स टाइम टू पुट दैट इन हियर यू आर लेट्स रिड्यूस इट नाइसली प्रेशर कुकर में हम डालेंगे पानी विनेगर खड़े मसाले जिसमें हम डालेंगे ब्लैक पेपर थोड़ा सा तेज पत्ता अगर आप डालना चाहें तो जिंजर ग्रीन टोमेटोस और आंवला द आइडिया हियर इज टू मेक अ ग्रीन टोमेटो आंवला मुरब्बा एक झटपट सा मुरब्बा बनाना है और मुरब्बा बनाने के लिए इसमें हम डालेंगे गुड़ एवरीथिंग इज इन हियर इसमें हम डालेंगे थोड़ी सी ग्रीन चिली फॉर द स्पाइसीनेस एंड द इंडियननेस इन ऑल ऑफ अस और साथ में डालेंगे थोड़ा सा दगड़ फूल यानी कि स्टार एनीस एंड Let's close the pressure cooker. 5 सीटी. So this is how the corn mixture will look like. Let's put it in a bowl. Beautiful. इसमें डालेंगे बारीक कटी हुई ग्रीन चिली. अब इसमें हम डालेंगे coriander. अब हम देते हैं कहानी में twist. Now let's add some yogurt to it. तंगा हुआ दही है अभी के लिए मुरब्बे की खबर लेते हैं ओए होए होए क्या कहते हैं पंजाबी में नजारा ही आ गया तो जी नजारा तो मुरब्बे के साथ आ गया है मुरब्बे को निकाल लेते हैं एक बोल में अब बनाते हैं फिलिंग फिलिंग के लिए थोड़ा सा आंवला थोड़ा सा ग्रीन टोमेटो और थोड़ा सा कॉर्न अब बचे इस डिश के दो एलिमेंट्स एक है सॉस और एक है ताबुले ताबुले जो है वो एक मिडल ईस्टर्न सैलड है जो ब्रोकन व्हीट से बनता है यानी कि दलिये के साथ बनाए जाने वाला सैलड है सो दिस इज अ ट्विस्ट ऑन अ ताबुले हमने पोंख का इस्तेमाल किया है हिंदुस्तानी फ्लेवर्स डाले हैं उसके अंदर लेट्स कॉल शेफ गौतम शेफ आ जाओ भाई आ जाओ अब आ जाओ लो में आ गया तो क्या हो गया यहाँ अभी तक शेफ मैं ना टिक्की बना रहा हूँ अच्छा सो गैलेट बना रहा हूँ मैं मकई यूज करके मकई का गैलेट रॉयल गैलेट सो आप एक बढ़िया सा कोकोनट सॉस सा कुछ बना दो कुछ करी लीफ जिंजर टाइप तड़का डाल के है ना ठीक है क्योंकि मकई का एक जो रूखापन होता है ना जो जो उसकी स्किन की हार्शनेस होती है उसको काटने के लिए कोकोनट की अगर क्रीमीनेस आ जाएगी इट विल बी परफेक्ट तो एक वेलवेटी टेक्सचर चाहिए आपको ओके तो सॉस बनाते हैं सबसे पहले गैस जलाकर पैन गरम कर लेते हैं और इसमें डालता हूं मैं थोड़ा सा तेल और इसमें मैं डाल देता हूं थोड़ी सी जिंजर बारीक कटी हुई जैसे जिंजर हो जाए कैरमलाइज राई डाल देता हूं उसमें तो ये राई भी बन गई हमारी ओके नाउ द मोस्ट ब्यूटीफुल इंग्रेडिएंट वो है हमारा कोकोनट क्रीम तो ये कोकोनट मिल्क जो है पूरी तरह से बॉयल हो गया हमें क्या करना थोड़ा सा इसको साइड में लेकर के और ये हमारा जो करी लीव्स है एकदम पैन के कॉर्नर में डालूंगा इसको मिला दे इसमें यस ये इसमें अब सॉल्ट डाल देता हूँ थोड़ा सा और थोड़ा सा क्रश पेपर डाल दूँ बिल्कुल बिल्कुल सर ये हो गई सॉस तैयार और चम्मच को बड़े प्यार से कोट कर रही है ये ड्रिप भी हो रही है इट्स रियली नाइस फ्लेवर्स आर गुड आगे क्या करेंगे ये जो हमारा हरा गेहूं है इसका हम बनाएंगे ताबुले और ताबुले बनाने के लिए बोर्ड पे सबसे पहले डालेंगे ये हरा गेहूं टोमेटो कोरिएंडर ग्रीन अनियन साथ में हल्की सी मिर्ची भाई हिंदुस्तान है और स्प्रिंग अनियन और इसके बाद अपने पुराने दिनों की याद ताजा करते हैं चलो जी हंसते खेलते जो खाना बन जाए वो अच्छा है तो ताबुले को डालते हैं एक बोल में
वो जो हमने अपने सौंधा सौंधा मुरब्बा बनाया ना गुड़ डाल के, हाँ हाँ हाँ, उसका पानी हम लेंगे। अच्छा, इसमें सौंधापन है और देसीपन है। तो अब हम बना लेते हैं अपना गैलेट, यानी कि मकई, मैं कुछ भी बोल सकते हैं इसको, मकई की गलौटी, टिक्की, मकई की टिक्की, मकई की शम्मी। तो अब हम इसके अंदर डाल देते हैं मिक्सचर, आंवले, हरे टमाटर और कॉर्न का। ये टिक्की हो गई तैयार, अब इसको डालते हैं पोहे के अंदर और तैयार करते हैं दूसरा गैलेट। हल्का सा गीला करके और पोहा डाल देते हैं। तो कैसे पकाएंगे, शैलो फ्राई में? शैलो फ्राई करते हैं। Good evening. Good evening. What is going on? So, cooking is going on actually. Cooking for you is going on. How nice. But I will not really reveal what is going on in detail. But what I can tell you is that we're using one of your favorite ingredients, makai, fresh corn. and we're using that, and we're using something that we picked up from the market. Uh-huh. And it's very exciting. Thank you. What thank you're you making, so I'm really keen to know. Thank you. Eager to know. Please. So I'll hide the star of the dish from you. And let us tell you what else is going on. We have a tabule. So it's like a green wheat tabule. Yeah. And then we have a coconut sauce, a curry leaf coconut sauce. Don't reveal too much. Okay. I guess the rest of the conversation we will have on the dinner table. Chef Gautam is going to escort you, and I'll be right there with you. Fine. Please, ma'am. It looks very exciting. Yeah, it does. It'll be more exciting when it's finished. See you. Best of luck. Thank you. Please, ma'am. देखिए, किसी को खाने के टेबल पे इंतजार नहीं करवाना चाहिए, रॉयल्टी को तो डेफिनेटली नहीं। झटपट फटाफट अपनी टिक्की सेक लेते हैं। ऑयल और बटर का इमल्शन रेडी है, लेट्स जस्ट क्विकली टर्न देम ओवर। मीडियम हॉट ऑयल पे पका लेते हैं इसको, 3 मिनट लगेंगे। हियर यू आर। और अब इसको पलट लेते हैं। हियर यू गो। और दूसरी तरफ हमने तेल गरम किया हुआ है, और इस गरम तेल में हम डालेंगे पात्रा। पात्रा यानी कि अरवी के पत्ते, कोलोकेशिया लीव्स, जिनको हमने ब्लांच कर रखा है। और इसको करते हैं डीप फ्राई मीडियम हॉट ऑयल में। फ्लिप इट ओवर लाइटली। नाइस, एंड वी आर गुड टू प्लेट। लेट्स नॉट मेक फूड वेट। अब हम लेते हैं अपना तबुले, इसकी बना लेते हैं एक स्ट्रेट लाइन। इसके बाद इस पे हम रखेंगे अपना गैलेट। अब यहां पर हमने हंग कर्ड के अंदर ब्लैक पेपर, थोड़ा सा धनिया और थोड़ा सा प्याज डाला हुआ है। एंड नाउ लेट्स ऐड सम कोलोकेशिया लीव। और अब इसमें हम डालते हैं हमारा कोकोनट सॉस, और ये डालते हैं इसके ऊपर फिनिश करने के लिए चिली पॉपकॉर्न। ये वो पॉपकॉर्न है जिसको हमने बटर और चिली पाउडर के साथ में प्रेशर कुकर के अंदर पॉप किया है। आप माइक्रोवेव में भी डाल सकते हैं, थोड़ा बटर, थोड़ा चिली पेस्ट या चिली पाउडर डाल के। दैट इज इट। आई गॉट अ रश, बट रिमेंबर, डोंट मेक पीपल वेट एट द टेबल। Take the temperature. The food is on the way. Right here, coming on your right, ma'am. Oh, this looks very attractive. So fancy. There you go, chef. Thank you. What about you? No, I never eat my own. So we've taken your Khees recipe, cooked it a little more. So it's like a dahi kebab corn galette. Oh, what is this white stuff, sir? That's like a small drizzle of a coconut sauce. So it's coconut, curry leaf, ginger. Mm-hmm. Very tasty. Thank you so much. And very unusual. And there are some coriander flowers also, just to add that lovely touch to it. So essentially, the heart of the dish is your keys, your recipe, the heart of the dish, which I just kind of modified into a galette. The garnishes has come out very well. You can use your normal fafti also as a garnish. Yeah, but this is my quiche has turned out very well. Thank you. Whatever the thing is. Thank you. So nice of you. But you know, that's the beauty of food. मतलब खाने की जो खूबसूरती है वो यही है कि एक छोटी सी प्रेरणा एक बड़ी सी डिश बन जाती है, और वो बड़ी सी डिश किसी की फूड मेमोरी बन जाती है। I think that is the most amazing beauty of food.
हर सफर की कई कहानियां होती, कुछ दिलचस्प, कुछ प्यार भरी, तो कुछ ऐसी जो बचपन की याद दिला दे। ये सफर का अनुभव भी कुछ ऐसा ही है, जो खुद से शुरू होकर किसी और का हो जाता है। जैसे हम लोग धीरे धीरे गोंडल के होते जा रहे हैं।